नहीं मेरे को भाई, जैसे ठीक है ये आपने इंजन के बारे में बताया, मेरे को ये जानना है जैसे आप इस बाइक को लॉन्ग ट्रिप पे ले गए, मतलब एक सिंगल रन में 100 प्लस या 150 प्लस किलोमीटर चला दी, तो उसमें जैसे इसमें एक हीटिंग सेंसर वगैरह आता है, मीटर में भी शो करता है, तो ऐसा भाई कुछ ऐसा होने नहीं लग गया कि जैसे भाई गाड़ी बहुत ज्यादा ओवर हीट होगी कि अब भाई बाइक को ब्रेक देने की जरूरत है? ठीक है भाई, आपने एक लद्दाख की बात करी है तो मेरे को एक क्वेश्चन और है, इस बाइक का जो फ्यूल टैंक रेंज है, मतलब 15 लीटर का टैंक आता है ना ये, तो एक बार में कितना रेंज निकाल के दे देती है भाई? बाइक उससे बहुत अच्छी हुई है। ठीक है, ठीक है, ड्यू टू एक तो फ्लोटिंग डिस्क आता है इसमें, मतलब ये जो आप बता रहे हो ये डिस्क है ना, ये हबलेस है, इसे हबलेस डिस्क बोला जाता है, फ्लोटिंग भी बोलते हैं हबलेस भी बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ बेनिफिट ये होता है कि जो नॉर्मल डिस्क होगा ना आपका, हाँ, स्टार्टिंग से। ठीक है, तो इसमें ही क्या पसंद आ गया फिर? इसमें नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ओमी मुसाफिर में एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है ना वो KTM Duke 250 के ऊपर होने वाली है और ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं, और ये अपने ही भाई शोभित भाई की होने वाली है, और अच्छा खासा उन्होंने इस बाइक को यूज भी किया हुआ, तो मैं सोच रहा था कि इस पे एक डिटेल वीडियो बनाई जाए और क्या कमियां और कितना अच्छी रही है बाइक, उनके साथ इस बाइक का एक्सपीरियंस ये जाना जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसा रहा अभी तक का एक्सपीरियंस। ये रही अपने पास की Duke 200 और ये अपने शोभित भाई की Duke 250। क्या है शोभित भाई? बढ़िया भाई, शुक्रिया भाई यार समय देने के लिए। भाई अभी बीच में थोड़ा काम ऐसा है कि थक जाते हैं। कोई नहीं भाई, कोई नहीं यार, तो अब फटाफट जल्दी से इसमें क्या है प्रॉन्स और क्या है कॉन्स, मतलब क्या अच्छी बात है और क्या और अच्छा हो सकता था, ये जानते हैं अपने शोभित भाई से और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शोभित भाई मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अभी 2024 में मेरे को एक चीज और भी देखने को मिली है, जैसे दिल्ली और मतलब अदर स्टेट में, मतलब स्टेट वाइज इसके ऑन रोड प्राइस में फर्क आता है, वो रोड टैक्स होता है ना, रोड टैक्स का डिफरेंस ज्यादा है, तुम्हारी ट्रांसपोर्टेशन टैक्स आती है। दिल्ली में इससे सस्ते मिलते, दिल्ली एक हमारा तुम्हारा सेंट्रल पड़ता है। अच्छा, इस वजह से दिल्ली में हर चीज ऑलमोस्ट सस्ती पड़ती है। अच्छा, दिल्ली में सस्ती है, बाकी और स्टेट और स्टेट में महंगी है, थोड़ी महंगी पड़ती है। जो प्राइजेस आते हैं ना वो मोस्टली दिल्ली के आते हैं। ठीक है, तो अच्छा मेरे को दूसरा ये पूछना है कि आपने अभी तक इस बाइक को कितने किलोमीटर अभी तक रन कर लिया? मैंने चला दिया क्लोज टू 5000 किलोमीटर चला चुके हैं आप। दूसरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे लॉन्ग ट्रिप वगैरह भी लोग करते हैं, तो इसमें आपने लॉन्ग ट्रिप एक मतलब एक सिंगल राइड में कितना लंबा ट्रैवल किया? मैंने अभी तो देखो, मैंने सिंगल जो लास्ट मारा है अभी तक, अभी तो मैंने मारा है 90, उससे ऊपर जा ही नहीं पाया मैं। अभी हमारी 90 किलोमीटर सिंगल रन में चले गए, तो ऐसा नहीं हुआ कि हम फटीग हो रहा है बंदा, थकावट तो नहीं होती, क्योंकि देखो डिपेंड करता है तुम चला किसे मेरे, अगर तुम एक को चला रहे हो भाई 60-70 तो देखो फटीग होना ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि तुम्हें रोड की वजह से भी होगा, आप तो 5 पवन बाइक को 60-70 चलाओगे तो फिर यार देखो फटीग तो होगा। मैं कहूँ कि जैसे अभी तुमने बताया कि मैं 60 की स्पीड में, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि 90 प्लस ही आप इस गाड़ी को रन कर चलाओ तभी मज़ा आएगा, मैं बता रहा हूँ 60-70 में नहीं मज़ा आएगा। अभी ये खुद भाई कैसी, आप इसे बैठोगे ना तो ये आपको ऐसा कहेगी कि भगाओ। चलो ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ फिर, मैं ये समझूँ कि आप ये 90 प्लस मैं इस बाइक को रन कर रहे हो, तो मेरे को ये बताओ कि ये बाइक मतलब इजीली कितने पे चले जाती है? इजीली देखो मैं बताऊँ, मैं वहाँ भी हो जाऊँ आपका हाईवे मसाला बाइकर्स को भी, हाँ हो गया यमुना एक्सप्रेस भी मैंने बताई थी इजीली 140 प्लस को विदाउट एफर्ट भी, विदाउट एफर्ट मैं ये समझूँ कि 140 के आसपास चले जाते चली जाती है, तो वाइब्रेशन वगैरह फील नहीं होता? 140-130 के ऊपर जैसे आप जाओगे तो वाइब्रेशन फील होता है, वाइब्रेशन फील होता है। अच्छा, आप जैसे बताया कि आप 90 प्लस की स्पीड में चलाओ, फिर ये माइलेज क्या निकाल के देती है? 90 प्लस अगर आप इसे चलाओगे ना, और मतलब एक एवरेज स्पीड लेके चलोगे 90-100 की, तो आराम से 25 प्लस माइलेज निकाल के देती है। और वैसे कंपनी 30 प्लस के आसपास क्लेम करती है? 35 के आसपास जो कंपनी क्लेम तो कुछ भी कर सकती है। तो मतलब अगर मैं समझूँ कि थोड़ा चला रहे हो ना 90 प्लस में चला रहे हो, मैं 7000 RPM प्लस चला रहे हो,
तो ये माइलेज 20 मतलब माइलेज ऑब्वियसली बात है 25 प्लस आराम से माइलेज देगी, रो रो के 25 देती है। अच्छा तो सिटी में कितना ये माइलेज निकाल देती है? सिटी में अगर तुम अगर आप 70 चला रहे हो 60 70 80, हां तो आपको 30 के आसपास निकल जाएगी। सिटी में 30 के आसपास का ये माइलेज आराम से निकाल के दे देती है, कोई दिक्कत नहीं। और हीटिंग इशू वगैरह कोई ऐसा भी इशू तो अभी गर्मी आई है, पता चलेगी, वैसे तो अभी तक तो नहीं है। मतलब एटीएम मजा में यार, एटीएम वो ठीक है यार, वो क्या कहते हैं सिंगल पिस्टन है। देखो जो ये सिंगल सिलेंडर में पावर दे रही है ना, मैं आपको बता रहा हूँ हाईएस सीसी स्पेक में आपके सुपर ड्यूक आती है 1390 1290 जितनी आती है वो ट्विन सिलेंडर आती है। ट्विन सिलेंडर पहला ट्विन कह लो, मेरे को जाता है कि टू सिलेंडर आता है, टू सिलेंडर में वो इतनी पावर निकाल के दे रहे, सोचो जितनी थ्री सिलेंडर में जाएंगे फोर सिलेंडर में जाएंगे तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज़ और ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि मैंने 90 किलोमीटर रन किया, जैसे इसमें हीटिंग टेम्परेचर वगैरह भी है, हाँ है ना, तो मतलब ये ऐसा शो नहीं करता कि ज़्यादा हीट हो गया तो आप? इसमें शो करता है, इसमें हाँ। तीन आते हैं, जैसे अगर सुबह सुबह स्टार्ट करें तो लो आएगा, हाँ आप जैसे ये 80 प्लस के ऊपर जाएगी टेम्परेचर, तो इसमें लिखा है एक ऑपरेशन टेम्परेचर आएगा, ओके लिखा जाता है, जैसे हॉट होगी जैसे हीट होने लग जाएगी तो ये हॉट का आ जाएगा, हाँ तो वो इसमें दे रखा है। तो फिर वो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब एक तो ये 90 प्लस किलोमीटर में आप चला रहे हैं, अब मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि कितने मतलब सिंगल रन में कितने किलोमीटर पे आपको शो करने लग जाता है कि भाई अब गाड़ी हीट हो गई है, अब इसको अभी तक तो टच वुड बता रहा हूँ मैं, अभी तक हॉट का तो आया ही आया नहीं। मतलब आप इसको अगर मैं समझूँ ना, अगर अच्छा खासा मतलब ठीक लिमिट में चला रहे हो और थोड़ा रेस्ट भी चला रहे हो बीच बीच में, तो ये 150-200 के आसपास कोई दिक्कत नहीं, आराम से हाँ। करा सकते हो। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा यही था, जैसे आप ये तो जैसा ये है कि इस बाइक की कुशनिंग कैसी है? एवरेज है राइडर के लिए पूछा, बिलियन तो रो जाएगा, बिलियन तो रो जाएगा भाई, मैं 390 का बैठ यार मैं रो गया था मॉडल, मेरे को ऐसा लगा था अब ना वो जांगे जो होती है मेरे को जांगे लग जाती है वो हो जाएगी, क्योंकि बिलियन आप बिलियन में आपको इसमें कंफर्ट कुशनिंग ऐड करानी पड़ेगी। तो मतलब ये है कि मैं अगर लॉन्ग राइड या लॉन्ग ट्रैवल कर रहा हूँ ना, तो मेरे को सीट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है आपको इसमें हो सकता है ये भी करनी पड़ेगी। अच्छा शोभित भाई मेरे को एक चीज़ और पूछनी है, जैसे अब इसके जो सस्पेंशन वगैरह पहले से अपग्रेड और अच्छे किए गए हैं, जैसे कि पहले मैं सेंटर जो होता था इसका सस्पेंशन मोनोशॉक, अब ये साइड माउंटेड है, तो मतलब कि आप मतलब जैसे गड्ढे वगैरह में होते हैं पॉटल्स वगैरह में, आपको कैसा मतलब फील कराते हैं, झटके वगैरह लगते हैं या स्मूथली स्मूथली निकलती है? स्मूथली है, कोई ऐसी कोई ऐसा जो थोड़ा बहुत झटका आता है पर इतना नहीं आता कि बेरेबल है। अच्छा जैसे हम मैं अब ये जो आपने पॉइंट है, अब मैं जैसे कहीं दूसरी बाइक होता है कि मैं 60-70 प्लस की स्पीड में चल रहा हूँ, झटका मारे गाड़ी में फटाक से आवाज़ आती है, ऐसा कोई साउंड नहीं आता? मतलब सस्पेंशन के मुकाबले में बाइक जब बाइक अच्छी है। ड्यूक का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि ड्यूक के जो सस्पेंशन थे ना, हाँ वो थोड़े वैसे थे खड़े, जैसे कहते जैसे वो 200 कड़ी उसके सस्पेंशन खड़े थे, वो उसमें मेरे को 200 में ऐसा होता है, मैं कह रहा हूँ आप ये चला सकते हो इजीली, जबकि दोनों की ग्राउंड क्लीयरेंस सेम है। हाँ ये चीज़ जो आपने पूछा, इसका अंडरबेली एग्जॉस्ट है इस मामले में, तो मेरे को वही लगा था कि यार ग्राउंड क्लीयरेंस तो कम नहीं हो गया। नहीं नहीं नहीं, ग्राउंड क्लीयरेंस सेम है, सीट हाइट कम कर दी गई है ताकि इंडिया की जो एवरेज हाइट है वो 5'5" है, 5'5" 5'4" है, तो शॉर्ट राइडर्स ड्यूक नहीं लेते थे क्योंकि ड्यूक की हाइट ज़्यादा। अच्छा अच्छा हाँ, तो आप ये इसकी जो हाइट है वो कम करिए, लेकिन ग्राउंड क्लीयरेंस उतनी है, ग्राउंड क्लीयरेंस आपको छेड़छाड़ नहीं करेगी। ठीक है ठीक है। शोभित भाई मेरे को ये बताओ यार, 250cc में यही बाइक क्यों पसंद करी? जैसे जिक्सर वगैरह भी आती है या पल्सर वगैरह भी है, डोमिनार है उस पर भी जा सकते थे, 250cc का डोमिनार भी आया है अभी, तो उस पर क्यों नहीं गए? मैंने मतलब डोमिनार मैंने कोई सी नहीं देखी, डोमिनार का माइंड सेट मेरा ये था डोमिनार आउटडेटेड हो चुकी है। अच्छा डोमिनार पे कंपनी ध्यान दे ही नहीं रही, थोड़े थोड़े माइनर ट्विक्स कर रही है, कभी जैसे गियर पोजीशन इंडिकेटर दे दिया, मतलब थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंज वगैरह, मतलब इंजन से रिलेट होके बड़ा कोई चेंज देखने को नहीं मिला। मैं बता रहा हूं उसकी बॉडी से भी रिलेटेड कोई चेंज नहीं दे रहे हो। अच्छा एज इट इज सेम आ रही है स्टार्टिंग से। ठीक है, तो इसमें ही क्या पसंद आ गया फिर? इसमें ही पसंद आया, मेरे को क्विक शिफ्टर की डिमांड, मेरी नीड थी, मुझे क्विक शिफ्टर चाहिए, क्विक शिफ्टर प्लस है ना इसमें, अप एंड डाउन शिफ्ट दोनों है। ठीक है मुझे वो चाहिए, इसमें मुझे वो मिल गया, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मुझे मिल गई। अच्छा पावर मुझे डोमिनार से आई थिंक ज्यादा है इसमें, मैंने डोमिनार की पावर देखी नहीं पर डोमिनार से ज्यादा है शायद। ठीक है ठीक है, डोमिनार में आई थिंक 226 और 28 के आसपास आती है, इसमें 31 पीएस की पावर है। ठीक है, अगर आप ये पावर की बात कर रहे हो ना, तो एक क्वेश्चन और है मेरा कि इस बाइक को आप इजीली कितने पे मतलब
अगर देखो तो टॉप स्पीड तो एक अलग बात हो गई, लेकिन आप ये बाइक इजीली कितनी स्पीड तक चले जाती है बिना किसी एफर्ट को लगाए? 140 तक आराम से चले जाती है। वाइब्रेशन वगैरह कुछ ऐसा इशू? वाइब्रेशन तो ऑब्वियस सी बात है, 250 cc की बाइक है, 130 के ऊपर आती है। नहीं मतलब मेरे को ये पूछना था कि एक स्पीड होती है ना कि 90 होगी, 100 होगी, इस स्पीड तक कोई 90 पे तो नहीं है वाइब्रेशन, 90 तक कोई वाइब्रेशन नहीं है, उससे ऊपर जाएंगे तो वाइब्रेशन फील होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये भी है कि आपने 90 प्लस ये चला रहे हो, मेरे को ये बताओ हाईवे पे फिर क्या माइलेज देगी अगर मैं 90 प्लस में खींच ही रहा हूँ बाइक को? तो अगर आप एक हाईवे पे 90 प्लस खींच रहे हो ना, 100 तो रख रहे हो या 110 के आसपास रख रहे हो, तो आराम से 25 प्लस 30 का माइलेज निकाल के दे देगी। अगर आप ठीक है 25, वैसे तो कंपनी 30 प्लस का माइलेज क्लेम कर रही है, आप जो ये बता रहे हो आप 25 का माइलेज तब देगी जब मैं इसका 90 प्लस खींच रहा हूँ, अगर मैं इसको 25 प्लस ही देगी, अगर मैं इसको 6000 आरपीएम से नीचे रखूँ, मतलब अराउंड ये 70-80 पे रखूँ, तो माइलेज और अच्छा निकाल के दे सकती है। 30 प्लस निकाल, तो फिर सिटी में क्या माइलेज निकाल लेते हो आप? सिटी में इसका 30-32 निकलता, सिटी में 32-30 आराम से निकाल लेते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा मेरे को ये एक चीज और ये बताओ, बाइक इतनी बड़ी है और इसमें ब्रेक से रिलेट वगैरह, सस्पेंशन से रिलेट वगैरह भी काफी कुछ अपग्रेड किया, मुझे पहला ब्रेक का बताओ कि ब्रेकिंग बाइट इस बाइक की कैसी लगती है? ब्रेकिंग बाइट इस बाइक की प्रीवियस बाइक से जो 250 थी, हाँ उससे बहुत अच्छी हुई है। ठीक है, ठीक है, ड्यू टू एक तो फ्लोटिंग डिस्क आता है इसमें, मतलब ये जो आप बता रहे हो ये डिस्क है ना, ये हबलेस है, इसे हबलेस डिस्क बोला जाता है, फ्लोटिंग भी बोलते हैं, हबलेस भी बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ बेनिफिट ये होता है कि जो नॉर्मल डिस्क होगा ना आपका, जैसे उसमें ड्यूक 250 नॉर्मल है, ठीक है, हब वाला है, हाँ, जितनी जल्दी आपका ये पोर्शन ठंडा होगा ना, हाँ, डिस्प्लेट जो है, डिस्प्लेट जितनी जल्दी ठंडी होगी आपकी ब्रेकिंग वाइट उतनी अच्छी होगी। अच्छा, ठीक है, ठीक है, और आपका प्लस में दो ब्रेक्स आते हैं, हाँ, दो ब्रेक्स देते हैं, वैसे मैन्युफैक्चरिंग में आपकी सेंट्रेट ब्रेक पैड्स आते हैं, हाँ, ठीक है, और नॉर्मली आपका अगर आप वैसे बजट अलाउ नहीं करता, हाँ, ठीक है, तो आप ऑर्गेनिक ब्रेक पैड भी आते हैं, हाँ, जो ऐसा जितना कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता। तो आपने इसमें कौन से डिस्क पैड डाले हुए हैं? अभी इसमें चेंज हो चुके हैं आगे वाले, हाँ, पीछे अभी भी सेंट्रेट है, हाँ, क्योंकि पीछे के ब्रेक यूज ही कौन कर, बहुत ही रहता है यूज होते हैं, ठीक है, इसमें अभी ऑर्गेनिक डाले हुए भाई, सेंट्रेट 3000 रुपए के। अच्छा शोभित भाई, ब्रेक से रिलेट आपने इतना अच्छे बातें मतलब बताई कि ब्रेकिंग पहले से और जबरदस्त है, मुझे ये बताओ कि जैसे आप सडन ब्रेकिंग करनी हो तो कितने स्पीड पे आप कॉन्फिडेंस रहते हो और ABS उस टाइम में परफेक्टली काम करेगा, मेरे को ये जानना है। मैंने इसकी पैनिक ब्रेकिंग करी है, मैं बता रहा हूँ, हाँ? मैंने इसको 100 की स्पीड में पैनिक ब्रेकिंग मारी है, हाँ? 100 की स्पीड में पैनिक ब्रेकिंग, ऐसा है कि कॉन्फिडेंस रहेगा। अच्छा, पर इसके मैं हर बाइक के साथ हूँ, ABS कभी कभी ना गलत टाइम पे किक इन करता है। अच्छा, ये है, मतलब ये है, इम्पैक्ट हो चुका है, एक ठुकी है परसों, ठीक उसमें ये होता है कि जहाँ गाड़ी ठुकी गिरी सब, हाँ, सबसे पहले तो इसमें भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बताओ यार, बिल्ड क्वालिटी। अच्छा, दो बार चिपका चुके हैं इस गाड़ी को दोनों, देखो हर है ना कि कोई अपनी गलती नहीं मानता, वो है, वो वही बात है, दोनों बार मेरी गलती थी नहीं, एक में अभी जो लास्ट इम्पैक्ट हुआ इसमें मेरी, मतलब उसमें ये था थोड़ी मेरी भी गलती थी थोड़ी जिसके सामने वाले इम्पैक्ट हुआ, पर इंडिया में ना एक रूल है, जिसकी बड़ी जिसका व्हीकल बड़ा उसी की गलती है। तो अच्छा मेरे को ये चीज़ ये पूछनी है कि जैसे अब जैसे इम्पैक्ट आया तो ये मेरे को बताओ कि भाई ऐसा तो नहीं है कि बहन थोड़ा मतलब थोड़ा सा गिरते ही कि भाई खर्चा मांग लेगी गाड़ी, ऐसा तो नहीं है ना भाई? मतलब ये जो फाइबर है ABS फाइबर आता है, है ना, बिल्ड क्वालिटी मैं बताऊँ जनरली बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, ठीक है। अच्छा मेरे को भाई ये जैसे ये बाइक है ये कॉर्निंग के नाम से जाने जाते हैं कि भाई कॉर्निंग करने में ज़बरदस्त है, मेरे को ये बताओ इस बाइक से अगर आपने कॉर्निंग करी है तो कितने स्पीड में करी है कॉर्निंग और कितने पे कॉन्फिडेंट भी रहे? 120 के आसपास इसमें कॉर्निंग करी है, हाँ, हाईवे पे, ऑन हाईवे करी है, हाईवे करी है, हाँ, रोड कंडीशन भी अच्छी थी, हाँ, ठीक है, टायर प्रॉपर वार्म अप हो चुके थे, हाँ, क्योंकि अप्रॉक्स कॉर्नरिंग करने से पहले हमने 30-40 किलोमीटर बाइक चला ली थी, तब टायर मतलब सॉफ्ट हो जाते हैं और फिर सॉफ्ट हो गए थे और, हाँ, ये ना सॉफ्ट कंपोनेंट टायर है। अच्छा, ठीक है, तो और मैंने 120 की स्पीड में कॉर्नरिंग करी, मेरा कॉन्फिडेंस कहीं लूज नहीं हुआ कि हाँ कि बाइक पीछे से अब ट्रैक्शन छोड़ देगी, हाँ, यही छोड़ देगी। वैसे इस बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह है? इसमें नहीं है, 390 में, 390 में, तो मतलब आप कॉन्फिडेंस रहते हो कॉर्निंग वगैरह ब्रेकिंग वगैरह करने में, कोई दिक्कत नहीं। सिटी में बताओ यार, सिटी में जैसे हैवी ट्रैफिक वगैरह है तो बाइक में यार जैसे होता है ना शोल्डर पेन होने लग गया या कॉर्निंग करनी है तो कैसा लगता है इसका? ये सिटी में यार, देखो सिटी में तो ऑब्वियस बात है आप कोई सी भी बाइक ले लो, हाँ? प्रॉब्लम करेगी, चाहे आप 125 cc की बाइक ले लो, चाहे आप कितनी बड़ी बाइक ले लो, वो प्रॉब्लम करती ही करती है, ठीक, क्योंकि
और मैं बता रहा हूँ मैन्यूवरेबिलिटी बहुत अच्छी है क्योंकि हैंडल इसका छोटा कर दिया गया और थोड़ा लाइट वेट भी है मेरे को फील हो रहा है। पावर बाइक थोड़ी सी मे बी 7 to 8 kg लाइट कर दी है और मैन्यूवरेबिलिटी बहुत सही है। ठीक है, लाइट का जो थ्रो है मतलब हाँ यार ये बहुत मतलब आपने भी बता दिया। जैसे इसकी जो हेडलैम्प है यार, मैंने ये 390 का अभी मैंने ओनरशिप रिव्यू लिया था, उन्होंने भी बताया कि यार भाई ये LED हेडलाइट है ना, बस सिटी में ही कुछ जगह पे काम करती है वरना तो ये बेकार है। बेकार में था ना, हाईवे पे अगर आप जा रहे हो ना लॉन्ग टूर कर रहे हो, हाँ जैसे पहाड़ों में हमारी मोस्टली राइड हम लोग पहाड़ों में मारते हैं, हाँ तो पहाड़ों में अगर आपको जाना है हाँ तो आप ऑक्सिलरी लगाओ, हाँ तो ही आप जा सकते हो। विदाउट ऑक्सिलरी हेडलाइट के भरोसे जा रहे हो ना, हाँ तो भूल जाओ। मतलब ये मतलब इशू है कि ये जो LED है ना बस स्प्रेड ज्यादा दिखता है लोगों की आंखों में, लेकिन रियल जो फैक्ट है रियल नहीं है। हाँ, उसमें MT की तरह MT का प्रोजेक्टर दिया। आप MT में है वो प्रोजेक्टर, वो प्रोजेक्टर है वो इतना ग्लेयर करता है ना, हाँ। ये ऐसे भाई लाइट के थ्रू क्या होगा, N160 आती है, हाँ। उसका प्रोजेक्टर इतना ग्लेयर नहीं करता पर उसकी विजिबिलिटी अच्छी है। मतलब वन से अगर मैं एक बात कहूँ कि अगर प्रोजेक्टर हेडलैम्प आ रही है ना वो ज्यादा बेटर है इनके मुकाबले। हाँ, इनके मुकाबले आपका N160 का है ना, हाँ हाँ उसका प्रोजेक्टर बहुत बढ़िया है, हद बढ़िया प्रोजेक्टर जिसे कहते हैं ना, बहुत अच्छा। उसको अगर आप चला रहे हो ना तो हाँ। ऑक्सिलरी लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, अच्छा शोभित भाई मेरे को अब इंजन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है। जैसे आपने बताया इसमें क्विक शिफ्टर प्लस आता है, हाँ। तो भाई मेरे को ये बताओ जैसे मतलब 40 प्लस स्पीड है उसी के बाद क्विक शिफ्टर यूज करने का मतलब बनता, तो ये बताओ कि जर्क वगैरह तो नहीं करती है? करता, क्विक शिफ्टर में जर्क आता ही है। मतलब इसके सब में मतलब अगर ठीक ले लो आप, थोड़ा बहुत जर्क देखने को मिलता ही है उसमें, लेकिन क्विक शिफ्टर को लेके आप कॉन्फिडेंस रहते हो कि मेरे को मतलब सडन चेंज वगैरह ट्रिकी सिचुएशन में अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट करना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी? हाँ ये है ये, और शिफ्टर के साथ मैं बताता हूँ क्विक शिफ्टर आपका 4000 RPM के ऊपर ही यूज़ करो, हाँ। मेरा ये रिकमेंडेशन है, हाँ। कि आप 4000 RPM के ऊपर ही वो करो, यूज़ करो और डाउन करोगे, ठीक। अगर उससे ऊपर करोगे, हाँ उससे नीचे करो तो फायदा नहीं है, बहुत गंदा जर्क मारता है, गाड़ी बंद होती है ऐसा? गाड़ी बंद नहीं होगी, इतना गंदा जर्क मारेगा ना कि आपको लगेगा। तो ये है मतलब इसका मतलब एक ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर शिफ्टर वगैरह आप यूज कर रहे हो तो 4000+ RPM रखो। अच्छा इसमें राइट बाय वायर की टेक्नोलॉजी आती है, है ना, तो मेरे को ये जानना है कि आपने दूसरी बाइक भी यूज़ करी होगी तो राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी कैसी लगती है? मतलब पहले से कई बार ये होता है ना कि इसी यूनिट के साथ जुड़ा हुआ रहता, तो मेरे को एक सुनने को मिला कि भाई यार इसका RPM है ना अपने आप कभी बढ़ भी जाता है कभी रहता है। प्रॉब्लम वो मेरे में भी आई थी कि हाँ। वो बढ़ नहीं रहा था, वो एक्चुअली ये हो रहा था कि जब आप चला रहे हो ना भाई, हाँ तो ऑन गो में RPM ना डाउन नहीं जा रहा था। अच्छा। एक मिनिमम जैसे 2500 RPM पे स्टक हो जा रहा था कई बार, डाउन जा रहा था तो बहुत स्लो जा रहा था। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम आई थी, वो तो वो बग प्रॉब्लम थी, वो सॉफ्टवेयर अपडेट में आज सुबह ठीक हो गई थी। ठीक है, और राइड बाय वायर का सबसे बड़ा बेनिफिट है आपको ये जिंदा आपको ये नहीं रहेगा कि हाँ मेरी रेस की तार टूट जाएगी। जैसे मान लो अगर आप लद्दाख कर रहे हो, लद्दाख में होता है मोस्टली कई लोग मोस्टली लोग रेस की तार टूट जाती है, क्योंकि टूट जाता है तो उसमें वो जिंदा इसका नुकसान भी है, अगर सेंसर में फेलियर आ गया तो तुम्हारे तो ये तो कहीं भी नहीं गया तो तुम फेलियर हो, फिर तो हाँ पूरी सब्जी। ठीक है भाई, आपने एक लद्दाख की बात करी तो मेरे को एक क्वेश्चन और है, इस बाइक का जो फ्यूल टैंक रेंज है मतलब 15 लीटर का टैंक आता है ना ये, तो एक बार में कितना रेंज निकाल के दे देती है भाई? बाइक में जो है डिस्टेंस 70 आता है, हाँ तो उसमें आपका ये 500 किलोमीटर शो करता है फुल टैंक, फुल फ्यूल में, फुल टैंक में 500 किलोमीटर रेंज शो करता है। आप एरर एरर जो भी होता है वो 400-450 किलोमीटर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। अच्छा दूसरी चीज़ आपने ये बोला लद्दाख से, एक लद्दाख से एक और क्वेश्चन आ गया भाई, सस्पेंशन बताओ यार, सस्पेंशन पहले से अपग्रेड अगर मैं दिखाऊँ ना, हाँ। तो फ्रंट भी पहले से अच्छे खासे किए गए थोड़े से ट्रैवल में भी, और जो सेकंड जो ये था सस्पेंशन पहले सेंटर में आता था अब ये साइड माउंटेड कर दिया गया, तो ये बताओ यार WPFX के सस्पेंशन आते तो कैसा लगता है, फील कैसा होता है? बहुत अच्छे हैं। अच्छा, हद अच्छे सस्पेंशन है, मतलब ऐसे RC के सस्पेंशन इससे बेटर। अच्छा, RC के उसमें तो शायद वो सॉफ्ट एंड हार्ड करने का भी ऑप्शन है, 200 की बात कर रहा हूँ, MotoGP एडिशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं उसमें भी बैठा हूँ, उसके सस्पेंशन इससे बेटर है। अच्छा, हाँ इसके सस्पेंशन भी बेटर है, नेकेड में इससे बेटर है, MT से जो MT है यामाहा, हाँ उससे भी फार बेटर, उससे तो फार बेटर है, बहुत। तो मेरे को ये जानना है जैसे आप हम क्या है कि हम अच्छी खासी स्पीड होती है जैसे 60-70 की स्पीड मार रहा पोर्टहोल आया गाड़ी गई और एकदम से झटका मारती है गाड़ी ठक से आवाज़ आई ऐसा मतलब कुछ साउंड वगैरह देखने को मिलता है या सॉफ्टली आराम से इजीली निकल जाती है ऐसा बताओ भाई फिर तो इसका सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं इसके।
अगर आप 60-70 की स्पीड में पोर्टहोल से निकलोगे ना, हाँ, डिपेंड करता है पोर्टहोल कितना बड़ा है, हाँ, जैसे माइनर पोर्टहोल्स होते हैं, हाँ, फील भी नहीं होते, ठीक है, हाँ। तो अच्छा दूसरा ये कि जैसे अभी ये काफी लाइट वेट मशीन है तो एकदम से स्पीड में से पॉट होल से निकले, फिर ऐसा नहीं होता कि भाई वो टेल फिश वगैरह या डिसबैलेंस हो गई, ऐसा नहीं, तो नहीं, कॉन्फिडेंस रहता है ना, कॉन्फिडेंस रहता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है। अब जैसे ये मान लो पहले है ना इसका DOSC वाला इंजन आता था, अब ये आ रहा है 250 में LC 450 का ओवरहेड कैमशाफ्ट, हाँ ऐसा आ रहा है। तो मेरे को ये जानना है कि भाई इस इंजन को लेके जैसे हीटिंग इशू वगैरह या वाइब्रेशन को लेके ऐसा कोई इशू वगैरह फेस किया हो? मैं बता रहा हूँ इंजन बहुत रिफाइन है, हाँ, मतलब 390 से कह सकते हो, जैसे अभी तो KTM में दो ही बाइकों में LC 450 आया है, 390 और एक इसमें आया है, ठीक है। अभी ADV में आने वाला है, ADV 390 में LC 450 ही आ रहा है, हाँ, ठीक है। इसमें 250 सीसी में इसमें रिफाइन, ये बहुत रिफाइंड इंजन है, अच्छा, ठीक है। LC 450 इंजन बहुत पहले, आई थिंक बहुत पहले का इंजन है, मे बी उसमें आता था या आई थिंक न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है शायद 250 सीसी में, हाँ, 250 सीसी में नया इंट्रोड्यूस हुआ है LC 450, अभी नया इंजन आया इनका, हाँ, ठीक है। नहीं मेरे को भाई जैसे ठीक है ये आपने इंजन के बारे में बताया, मेरे को ये जानना है जैसे आप इस बाइक को लॉन्ग ट्रिप पे ले गए, मतलब एक सिंगल रन में 100+ या 150+ किलोमीटर चला दी, तो उसमें जैसे इसमें एक हीटिंग सेंसर वगैरह आता है, मीटर में भी शो करता है, तो ऐसा भाई कुछ ऐसा होने नहीं लग गया कि जैसे भाई गाड़ी बहुत ज़्यादा ओवर हीट होगी कि अब भाई बाइक को ब्रेक देने की ज़रूरत है? ठीक है, तो आपका इंजन की रिक्वायरमेंट अच्छी है, हाँ, जो अभी पूछा था कि हीटिंग वाला जो है, हीटिंग वाला हीटिंग सेंसर इसमें आता है, हाँ, अभी तक नहीं आया, हाँ, हीटिंग सेंसर इसमें तीन आते हैं, ठीक है, एक लो आता है, हाँ, सुबह लो आएगा, हाँ, फिर ओके टेम्परेचर आता है, देन आपका हॉट आता है, हॉट साइन आता है, तो हॉट साइन बहुत ही रेयर चांस है, अभी तक तो आया नहीं है, ठीक हाँ। है, और वो शायद ही कभी आया, बाकी दोनों लाइन की गर्मियाँ बताएंगी, ठीक है। अच्छा मेरे को एक चीज़ और पूछनी है, जैसे ये 250 सीसी का है तो दूसरा ये है कि 390 और 250 सीसी में ज़्यादा वैसे फ़र्क नहीं है, तो सब मेरे को सर्विस चार्ज जानना है भाई, इसमें सर्विस में ऑलमोस्ट कितना खर्चा आ जाता है अगर आप सर्विस करवाने जा रहे हो तो? इसकी फर्स्ट सर्विस हो चुकी है, सेकंड सर्विस आने वाली है, हाँ, फर्स्ट सर्विस में इसका 1725 रुपये का खर्चा आया, ठीक है, जो कि वर्थ है, ठीक है, 250 सीसी और KTM के हिसाब से वर्थ है, ठीक है। तो कंपनी कितने पे कहती है कि इसका ऑयल चेंज वगैरह होना होता है? इसका पहला सर्विस होती है इसकी 1000 पे, 1000 सेकंड होती है 8000 के आसपास, हाँ, जो वैसा लिखा हुआ है सर, आप 6000 के आसपास, और उसमें 6 महीने का टाइम पे, अच्छा, अगर आप 6 महीने के अंदर कराते तो वेल एंड गुड, वरना फिर एक का कूपन होता है वो वैलिड नहीं रहता, जिससे वारंटी भी, अगर मान लो बाइक आपकी वारंटी है उसमें दिक्कत आती है, अच्छा ये है, हाँ ये आती है नॉर्मली, आप किसी भी कंपनी में चले जाओ दिक्कत आती है, ठीक है, ठीक है। और थर्ड सर्विस इसकी है आपकी 16000 के आसपास, जो कि तीनों फ्री है, ठीक है, तीन सर्विस कंपनी फ्री देती है इसके, और वैसे जो इसका ऑयल चेंज टाइम पीरियड है 8000 किलोमीटर है, 8000 है, आप जैसे अगर आप चला रहे हो, अभी मैंने 1000 पे कराई थी, हाँ, उसके बाद अब ये क्लोज टू 5000 हो गई है, हाँ, नेक्स्ट मंथ में मोस्ट सर्विस की सेकंड सर्विस में करा दूंगा, हाँ, या हो सकता है इस मंथ एंड तक मैं करा दूं, ठीक है। कंपनी क्लेम जब सर्विस मैनेजर है हमारे, वो सर्विस एडवाइजर है, हाँ, उन्होंने उनसे मैंने बात करी थी, अभी जब इम्पैक्ट के बाद मैं लेके गया था बाइक को, हाँ, क्या इम्पैक्ट हुआ, तो उन्होंने उनको मैंने सर्विस का भी पूछा था कि सर्विस कब करानी है, तो उन्होंने एक डेट दी थी, अभी 30 तारीख की डेट है, 6/2024 की, तो वो मेरी लास्ट है सेकेंड सर्विस, उससे पहले मुझे करानी है, क्या उस दिन ही करानी है, उससे पहले करानी है, तो उन्होंने बोला था कि आप चला सकते हो, तो जो खर्चा आएगा इसका अगर ब्रेक पैड इसके चेंज होंगे, ब्रेक पैड अभी नहीं है, और आपका ब्रेक पैड का खर्चा बच जाएगा, और आपका क्या कहते हैं उसका अपना मान लो मोटा मोटा यही 1700-1600 के आसपास खर्चा आएगा, ठीक है। दूसरा मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे ये बाइक आती है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, तो यार ये जैसे एक मोस्टली एक क्वेश्चन रहता है कि भाई एंड्रॉइड के साथ पेयर हो रहा है, आईफोन के साथ नहीं हो रहा, ये दिक्कत आती है, या कई बार होता है कि मीटर लैग मारता है, तो ऐसा कुछ है? इसका मीटर चेंज हो चुका है, मैं पहले आपको बता दूं, हां इसके मीटर में दिक्कत ही आई थी कि इसका स्पीडो मीटर नहीं आ रहा था, हां वो मे बी शायद आई थिंक सॉफ्टवेयर ग्लिच था, हां बट नई बाइक चली है उसमें तुम्हारा वो आ रहा है सॉफ्टवेयर मीटर हट जा रहा है, हाँ, तो वो अति से लगता है मीटर चेंज हो गया था, ठीक मीटर, और इसमें आपका जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है ये मैंने आईफोन से कर रखा है कनेक्ट, इजीली हो जाता है, हाँ, एंड्रॉइड से कर रखा है तो इजीली कनेक्ट होता है, मतलब एंड्रॉइड आईफोन में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इजीली कनेक्ट होता है, ठीक है भाई, वो डिपेंड करता है कि आपका जो ब्लूटूथ करता है ना वो अपडेट हो। अच्छा दूसरा मेरे को ये है कि जैसे मीटर लैग वगैरह भी करता है? नहीं मीटर लैग
मीटर लैग नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है भाई, तो KTM Duke 2024 वेरिएंट 250 की वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मतलब ओनरशिप रिव्यू में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन और क्वेरी मेरे से रह जाती है ना, तो एक बार आप कमेंट में जरूर पूछ लेना, मैं उसको फटाफट रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो जल्दी मिलता हूँ आपको एक और नई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।